हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्लाजो। प्लाजो की लंबाई है वो मेरी 38 इंच है और कमर है वो 40 इंच है। प्लाजो की लंबाई हम अधिक भी रख सकते हैं और एंकल भी रख सकते हैं। तो मेरी ये जो प्लाजो की लंबाई है वो एंकल में ही है, एडीज से थोड़ी ऊपर है इसकी लंबाई। कुल लंबाई हमारी 38 इंच है और कमर मेरी 40 इंच है। तो मैंने कपड़े को दो भागों में बिछाया हुआ है, इसको हम चार भागों में बिछा लेंगे। प्लाजो बनाने के लिए अगर हमें प्लाजो का जो घेर है वो अगर कम चाहिए तो हम कपड़ा 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। 2 मीटर में हमें अच्छा घेर चाहिए, मीडियम सा वाला, तो हमें 2 मीटर कपड़ा लेना होगा प्लाजो की सिलाई के लिए। ये मैंने कपड़ा है वो चार भागों में बिछा लिया है। सबसे पहले हम कुल लंबाई लेंगे, तो मैं प्लाजो का जो बेल्ट है वो अलग से लगा रही हूँ। बेल्ट में मैं पीछे की साइड रबर डालूंगी, आगे की साइड में बेल्ट में रबर नहीं डालूंगी, इसलिए मैं बेल्ट अलग से लगा रही हूँ। इससे बेल्ट में डिजाइन मिल जाएगी और बिल्कुल रेडीमेड लुक लगेगा। तो हमारी कुल लंबाई है वो 38 इंच है, तो 38 इंच में मैं 2.5 इंच बेल्ट का घटा रही हूँ। मेरे जो रबड़ की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है, इसलिए मैं 2.5 इंच घटा रही हूँ। आप चाहे तो इसे दो भी रख सकते हो। बेल्ट जितना बेल्ट की चौड़ाई हम जितनी अधिक रखेंगे वो दिखने में उतना ही अच्छा लगेगा। कुल लंबाई हमारी 38 इंच है, तो मैंने बेल्ट का 2.5 इंच तो घटा दिया है बेल्ट। और जितनी भी हमारी लंबाई होगी उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे पट्टी फोल्ड करने के लिए नीचे की साइड से। 38 इंच हमारी लंबाई आ रही है और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 इंच, तो कुल लंबाई हो जाएगी हमारी 39.5 इंच। साढ़े 39 इंच ऐसे हम जगह जगह लगा लेंगे, इसके निशान लगा लेंगे 39.5 इंच पे। साढ़े 39 मेरे कपड़े का जो पैना है वो बहुत अधिक है, इसलिए मेरा बेल्ट इधर से निकल जाएगा। ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से निकल जाएगा। अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचता है तो पहले हमें सबसे पहले बेल्ट निकालना होगा और फिर हमें प्लाजो के लिए कपड़ा बिछाना होगा। तो मेरा तो ऑलरेडी इधर से निकल रहा है इसलिए मैंने पहले नहीं निकाला है। अब हम लेंगे हमारी कमर, जिसे हम हिप भी बोल सकते हैं। कमर थी मेरी 40 इंच। ये 40 इंच मैंने ढीली ढीली कमर ली है, टाइट नहीं ली है, क्योंकि प्लाजो है तो प्लाजो हम थोड़ा ढीला ढीला ही रखेंगे। तो मेरी हमारी कमर है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे जो कपड़ा है वो चार भागों में मैंने बिछाया हुआ है, इसलिए हम कमर का चार हिस्सा करेंगे। तो इसका चौथा हिस्सा है वो कितना हो गया, 10 इंच हो गया। और 10 में हम फिर 3 इंच ऐड करेंगे, ऐसे हमें ऐड करना था। ये वाला जो तरीका है ये मेरा गलत है, हमें ये करना है। सबसे पहले हमारी जितनी भी कमर होगी उसका हम 1/4 हिस्सा लेंगे, जितना भी हमारा चौथा हिस्सा आए। जैसे कि मेरा आ रहा है 10 इंच आ रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे 3, 4, 5, 5 लास्ट है, इससे अधिक हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो हमारी कमर आएगी वो हम कपड़े पे ले लेंगे। जैसे कि मैंने 3 इंच ऐड किया है तो हमारी टोटल कितनी आ गई है, 13 आ रही है। तेरह इंच ये हमारी कमर है। अब लेंगे हम आसन की लंबाई। तो आसन में हमने बेल्ट लिया था 2.5 इंच, तो आसन की लंबाई में हम 2.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। और मेरी आसन की टोटल लेंथ है वो है 14 इंच, तो जहाँ 14 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। याद रखना है कि हमें आसन में 2.5 इंच बेल्ट का भी छोड़ना है, बिकॉज क्योंकि मैं बेल्ट अलग से लगा रही हूँ इसलिए मैंने 2.5 इंच ऊपर की साइड छोड़ दिया है। और यहाँ से भी हमें 13 इंच ले लेनी है। ये वाली दूरी मेरी 13 इंच है। और हम यहाँ पे
डेढ़ इंच की इसकी गोलाई ले लेंगे। ये गोलाई मैंने डेढ़ इंच की ली है, या फिर हम दो इंच भी इसकी रख सकते हैं। और नीचे से हमें ये जो घेरा है ये प्लाजो का, ये हम अपने अनुसार ले सकते हैं। अगर हमें कम लेना है तो हम सीधा सीधा ले लेंगे, और अधिक है तो हमारा जितना भी कपड़े की जो चौड़ाई है वो हम पूरी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को इस प्लाजो का जो घेरा वो पूरा चाहिए, तो मेरे जितना भी कपड़ा था वो मैंने पूरा ले लिया है, और ऐसे इसको मैंने मिला दिया है यहाँ से। आसन वाली गोलाई और जो वहाँ पे हमारी लंबाई फिनिश हो रही थी वहाँ पे हम इनको मिला देंगे। ये हमारा प्लाजो की जो कटिंग है वो हम ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी। ये हमारे प्लाजो की कटिंग मैंने कर दी है। अब हमें बेल्ट के लिए कपड़ा काट लेंगे। मैंने बेल्ट की जो लंबाई थी उसकी वो ढाई इंच चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई है वो मैंने ढाई इंच रखी थी, तो डबल करेंगे तो वो पाँच हो जाएगी, और एक इंच हम दबाव के लेंगे तो टोटल हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो छः इंच हो जाएगी। ढाई इंच मैंने बेल्ट की जो चौड़ाई ली थी छोड़ दी थी, तो डबल हो जाएगी तो वो हमारी पाँच हो जाएगी, ढाई ढाई पाँच, और हम इसमें एक इंच दबाव का ले लेंगे तो टोटल हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो छः इंच। और हम बेल्ट कितना लेंगे वो हमारी जितनी हमारी कमर है उतना ही हम बेल्ट लेंगे। ये बेल्ट की जो चौड़ाई वो छः इंच है, और ये कपड़ा मेरा चार भागों में बिछा लिया है मैंने, तो ये इसकी जो मैंने 13 इंच ली है, जितनी हमारी कमर थी उसने मैंने ले ली है। और अब एक्स्ट्रा इसको मैं, ये हमारा बेल्ट कट के रेडी है, और हमारी जो प्लाजो कटिंग है वो भी हो गई है। अब चलो हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम हमारे आसन की जो लंबाई थी कटिंग की थी मैंने वो जोड़ लेंगे, उस पर सिलाई कर लेंगे। ज़्यादा गोलाई में सिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ की जो दूरी है वो आधा इंच ही रखेंगे इसकी दूरी हम। ऐसे इसके हम डबल सिलाई कर लेंगे। हम हमारे दूसरे वाली आसन वाली साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। हम हमारे जो दोनों आसन वाली सिलाई है ना वो पहले ही कर रहे हैं, और फिर बाद में हम बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने दोनों आसन की जो मेरी कटिंग थी वो जोड़ ली है, और हमें इसको जो हमारी ये वाली सिलाई है बीचों बीच आएगी, इसे ऐसे ही मैंने इसको बिछा लिया है। और मैं सामने वाली साइड दो सेल भरूंगी, तो मेरे जो सामने वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं रबर नहीं डाल रही हूँ वो 14 इंच आया है, और मैं एक एक इंच की सेल भर रही हूँ, तो 14 इंच का यहाँ से लेंगे हम आधा कर लेंगे, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा तो ये वाला हो जाएगा और आधा वाला हिस्सा ये हो जाएगा, तो टोटल हमारे मिला के जो चौड़ाई आ जाएगी वो 14 इंच होगी। बट मैं इसमें एक इंच की सेल भर रही हूँ तो मैं 8 ले रही हूँ, 8 इंच तो मैं इधर ले रही हूँ, और 8 इंच में यहाँ से इधर लूँगी। यानी इतनी दूर जो हमारा नेफ आएगा उसमें हम रबर नहीं डालेंगे, और मैं एक सेल भरूंगी, वो सेल इसके बीचों बीच 4 इंच पे भर देंगे हम, भर लेंगे। ये वाला जो मेरे सेल वाला था निशान, यहाँ से अपोजिट साइड में सेल भरेंगे, तो सेल को तो छोटा छोटा रखेंगे, बिल्कुल छोटी सेल भरेंगे हम, सेल है वो छोटी छोटी सेल भरेंगे, एक सेल ऐसे और छोटी एक सेल ऐसे। सेल भरने से क्या है कि हमारे जो सामने की लुकिंग है वो थोड़ी अच्छी लगने लग जाएगी।
इन सेल पे हम सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी वाली सेल पे भी सिलाई कर लेंगे। ये जो मैंने मार्क लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इंच की दूरी होनी चाहिए हमारी यहाँ तक। वहाँ से हम बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए हमें 1 इंच पहले कपड़ा छोड़ देना है, 1 इंच तक हमें सिलाई नहीं करनी है और फिर बाद में हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। हमें 1 इंच तक सिलाई नहीं करेंगे और हम इसके जो हमारा कमर थी उस पर बेल्ट लगा लेंगे। चारों तरफ हम बेल्ट लगा लेंगे और जितना भी हमारा बेल्ट एक्स्ट्रा आएगा उसे हम हटा देंगे, क्योंकि हम जो बेल्ट में हमारा दबाव था उसे भी हमने शामिल कर लिया था। जो हमने आसन की सिलाई की थी उसका हिस्सा हमने घटाया नहीं था बेल्ट में, तो वो तो अधिक होगा ही, इसलिए जो जितना अधिक आएगा हमारा बेल्ट उसे हम हटा देंगे ही। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ये वाला जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ी थी जगह और ये वाली, इसको हम मिला लेंगे और जितने भी हमारा बेल्ट एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो मेरी यहाँ तक आ रही है और जो शेष वाला बेल्ट बचा हुआ है उसे हम काट देंगे। और ये सिलाई करने से पहले हम जितनी हमारी इस बेल्ट की सिलाई कर लेंगे पहले ऐसे। बेल्ट लगाने के बाद में इसे हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने से पहले हमें आगे का हिस्सा यहाँ पे भी बना लेना है। 14 इंच की जो दूरी है वो जितनी भी है हमारी, मेरे सामने वाले हिस्से की जो दूरी थी वो 14 इंच की रखी थी मैंने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी लगा लेंगे इसके निशान। तो मैंने 14 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर जो सिलाई थी ना मेरी वो बिल्कुल आगे के हिस्से के से स्टार्ट थी, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 14 इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है। हम अपने बेल्ट को ऐसे फोल्ड करके लगा लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच की जगह छोड़ेंगे रबर डालने के लिए, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो चारों तरफ से पैक होगा, तो उसके रबर डालने के लिए पहले हमें जगह छोड़नी होगी थोड़ी बहुत। तो मैं 1 इंच की जगह छोड़ रही हूँ। अगर बेल्ट को फोल्ड करते वक्त जगह जगह छोटी छोटी सला आ रही है तो हम उसे भर देंगे, क्योंकि मेरा जो बेल्ट है वो फोल्ड उल्टी तरफ हो रहा है तो ये दिखाई नहीं देगी।
ये हमारी पीछे वाली सिलाई हो गई है, और यहाँ पे भी हम जहाँ से हमारा आगे वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी हम एक इंच की जगह छोड़ेंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये देखो मेरा निशाना आ गया है, यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे फिर से। मैंने 14 इंच तक लगातार सिलाई की है और एक इंच तो इसके इधर दूरी छोड़ी है और एक इंच इधर। हम इधर से हम रबर डाल के ले जाएंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो हमारा जो सामने वाला हिस्सा है उसमें हम रबर नहीं डालेंगे, वहाँ पे हम सिलाई कर देंगे ऐसे। इधर से भी कर देंगे हम सिलाई। ये पेग हो गए हमारा आगे वाला हिस्सा, यानी यहाँ पे हम रबर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और पीछे वाली साइड हम रबर डाल देंगे। तो रबर डालते हैं, हम रबर पीछे पीछे ही डाल रहे हैं, आगे की हिस्से में नहीं डाल रहे हैं। तो रबर डालने के लिए हमें सबसे पहले कमर नापनी होगी बिल्कुल फिटिंग में, जितनी हमारी कमर है उसे हम फिटिंग में नापेंगे। जैसे कि मेरी कमर फिटिंग में 30 इंच आ रही है बिल्कुल फिटिंग में, और उसमें से मैं आगे का हिस्सा 14 इंच है वो घटा दूँगी, क्योंकि 14 इंच वाली दूरी पर हम रबर नहीं डाल रहे हैं। और जितनी दूरी पे हम रबर नहीं डाल रहे हैं वो भी तो हमारे कमर का ही हिस्सा है, इसलिए उसमें हम घटा देंगे। तो 30 में से हम 14 घटाएंगे तो हमारी जो कमर है वो आ जाएगी 16 इंच, और उसमें भी हम 4 इंच और घटा देंगे। रबड़ है थोड़ा बहुत वो लूज हो जाएगा, इसलिए इसमें से भी हम 4 घटा देंगे तो टोटल आ जाएगी 12, यानी हमें पीछे के हिस्से में 12 इंच का रबड़ डालना है। जितनी भी हमारी कमर हो फिट, कमर को भी फिटिंग में ही नापना है बिल्कुल। ये मैंने 12 इंच का रबर ले लिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने 12 इंच का क्यों लिया है। तो बिल्कुल हमारी जो कमर है वो हमें फिटिंग में नापनी है, और फिटिंग में नापने के बाद हमारा जो बेल्ट है आगे का हिस्सा उसमें हम रबर नहीं डाल रहे हैं, वो घटा देंगे जितना भी हम ले रहे हैं। जैसे कि मैंने 14 इंच लिया है तो मैं वो घटा रही हूँ, और फिर जितनी भी हमारी कमर आएगी, जैसे कि मेरी 16 आ रही है तो उसमें हम 4 इंच घटा देंगे। ऐसे मेरी 12 इंच रबड़ की है वो लंबाई आई है। इसे हम, ये मैंने जो 1 इंच की दूरी रखी थी यहाँ से हम रबर डाल लेंगे। ऐसे डालते हुए हम दूसरी साइड से पिन को निकाल लेंगे, और जो हमारा ये रबड़ है उसकी यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। और नीचे से हमने यहाँ पे जो 1 इंच की सिलाई छोड़ी थी साथ साथ इसको भी हम कर लेंगे। और इस तरफ भी हमने जो जगह छोड़ी थी 1 इंच की वो मैंने सिलाई कर ली है, और यहाँ पे हमने रबड़ की सिलाई भी कर ली है। इस प्रकार जो हमारा ये रबड़ है वो पीछे की साइड
पैक हो गया है और आगे के साइड हमारा ये बेल्ट रह गया है, ऐसे आगे तो बेल्ट है और पीछे की साइड रबड़ है। और बाकी की जो प्लाजो की सिलाई है वो हम नॉर्मल प्लाजो जैसे बनाते हैं उसकी तरह कर लेंगे। सबसे पहले हम प्लाजो की फिटिंग करेंगे और फिर इसका नीचे वाला हिस्सा है वो हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी फिटिंग हम बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर कर लेंगे। प्लाजो की सबसे पहले हम नीचे वाला हिस्सा हम बाद में फोल्ड करेंगे, पहले हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग की जो ये वाली दूरी है वो मैं 1 इंच रख रही हूँ, इसे ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। अगर आप इंटरलॉक करवा रहे हो तो इसकी दूरी 1/2 इंच भी रख सकते हो। मैं इंटरलॉक नहीं करवा रही हूँ इसलिए मैं इसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ। यहाँ से हम ज़्यादा सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेंगे, 1/2 इंच की गोलाई लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे ज़्यादा सिलाई लेने से यहाँ से प्लाजो वो उठने खड़ा खड़ा रहने लग जाएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर लेंगे और फिर इधर से हम लंबाई में बढ़ाते बढ़ाते इसकी 1 इंच ले लेंगे। अब हम हमारी जो मोरी है वो बना लेंगे। 1/2 इंच तो मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रख दी है पट्टी की। यहाँ पे जो हमारी दबिंग थी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा काट दिया है, ऐसे ही इसकी हम गोलाई में सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा डबल सिलाई कर लेंगे और मशीन को उतार लेंगे, सिलाई करते हुए नहीं उतारेंगे इसकी। इसी तरह हम दूसरे वाले पल्ले की भी सिलाई कर लेंगे। तो ये वाले जो मेरे चौड़ाई है इसको मैं थोड़ा हटा रही हूँ इतनी देर, इससे ये फोल्ड करने में थोड़ी आसानी होगी हमें। और वही हम 1/2 इंच तो पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे और 1 इंच इसकी चौड़ाई रख लेंगे पट्टी की। और हम इसी तरह पहले वाले पल्ले की तरह इसे भी फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार हमारा प्लाजो रेडी है, बिल्कुल बनके तैयार है।